भक्तिविनोद ठाकुर इतने अच्छी अच्छी बात को बता रहे हैं, क्योंकि हमारी अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारे अंदर में भरा हुआ है, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसे हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं, लेकिन किसकी कृपा से हम ऊपर उठ सकते हैं, केवल ये गोपीनाथ अगर कृपा हो जाए ना, फिर तो ये माया से हम पार हो सकते हैं। एल गोपीनाथ नियत चरणे ध्यान, गोपीनाथ नियत चरणे करके अपना चरण में स्थान दे दो, मैं आपकी चरण में पढ़ करके रो रो करके आपकी चरण में प्रार्थना करता हूँ, मेरे ऊपर में आप कृपा करके करुणा कर, क्योंकि गोपीनाथ कौन है, गोपीनाथ जी विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, इसलिए उनका नाम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या होता है, जो नहीं को है को जो नहीं कर सकते ये ईश्वर है, इसलिए कहते हैं गोपीनाथ जी तुम तो सब कुछ कर सकते हो, इसलिए मैं तो पापी से भी पापी हूँ, लेकिन आप कौन हो, विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, अगर ये पापी को कोई अगर उद्धार कर सकता है, बल्कि ये पापी को कौन माया से उद्धार कर सकता है, बल्कि केवल ये गोपीनाथ ही ये माया से हमें निकाल सकते हैं, इतने बड़े पापी को श्री गोपीनाथ ही कृपा कर सकते हैं, बल्कि श्री गोपीनाथ की बल्कि गोपीनाथ तुम्हें कृपा करा तुम्हें सार गोपीनाथ।